भाई लोग डंकी मूवी का रिव्यू लेके आ चुका हूँ। भाई ये फिल्म 2023 की सबसे बेहतरीन फिल्म होने वाली है। भाई इस फिल्म में कॉमेडी, इमोशन, हर चीज एकदम भरपूर मात्रा में है। कोई भी फ्रेम ऐसा नहीं है जिसमें कॉमेडी ना हो और जो इमोशन ना हो। अगर उस फ्रेम में जो है इमोशन नहीं है, कॉमेडी नहीं है, तो वो फ्रेम ही नहीं है मूवी में। और भाई ये एकदम तगड़ा मूवी होने वाला है। और भाई इसमें एक जो सबसे सरप्राइज पार्ट है वो आपको ट्रेलर में भी देखने के लिए मिल गया था, स्पॉइल कर दिया गया था, लेकिन जब आप उसको मूवी में देखोगे तो भाई उस कैरेक्टर को आप हमेशा याद रखोगे। मैं अगर नाम लेना चाहता हूँ तो मैं ले सकता हूँ अभी भी, लेकिन आपको बता ही देता हूँ उसका नाम है मिकी कौशल। भाई ये कैरेक्टर आपको मूवी में बिल्कुल ही सरप्राइज कर देगा। इसका कैरेक्टर ऐसा लगा है और भाई जो भी निकल रहा है वो सभी लोग जो है मिकी कौशल की तारीफ कर रहा है, जिसकी एक्टिंग बहुत लाजवाब थी। बहुत ही छोटा रोल है लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। और भाई जो भी ऑडियंस है, जो नई ऑडियंस है, भाई इस फिल्म को आराम से कनेक्ट कर सकती है। एकदम सिंपल स्टोरी टेलिंग है, इमोशन कॉमेडी के साथ बिल्कुल भी इधर उधर नहीं किया गया है, एकदम परफेक्ट तरीके से मूवी चलती हुई नजर आ रही है। और तो भाई इसकी कहानी तो ऑलमोस्ट सभी को पता है, इसमें कोई स्पॉइल करने वाली बात नहीं है, लेकिन उस तरीके से इसको प्रेजेंट किया है, ट्विस्ट टर्न डाल के, कि भाई इसको आपको देखने में मजा आता है, स्पेशली विकी कौशल। और भाई इसमें SRK का जो यहाँ पे जो एक्टिंग है ना वो बहुत ही जबरदस्त है। तापसी पन्नू का भी इसमें काम जबरदस्त है। इसमें बहुत सारे एक्टर है जिसका काम एकदम जबरदस्त है। एक तरीके से माने कि इस मूवी का कास्टिंग एकदम परफेक्ट है। भाई इस कास्टिंग के अलावा आप किसी और को इमेजिन ही नहीं कर सकते इन सभी रोल में। तो भाई इस तरीके से ये मूवी बहुत ही जबरदस्त बन के आती है, एकदम जो है फैमिली वॉच है, बिल्कुल भी इंटीमेट सीन नहीं है, आराम से इस मूवी को देख सकते हो। कोई डार्क कॉमेडी नहीं है, पूरा फैमिली लेके जाओ, जितने लोग को लेके जा सकते हो पूरा लेके जाओ। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जिसे आप जो है फैमिली के साथ ना देख सकते हो। पूरा एकदम बेहतरीन मूवी है, एक तरीके से माने भाई ये 2023 की एकदम फैमिली इंटरटेनर मूवी है। और ये भाई आराम से जो है सलार के साथ टिकेगी और अच्छा कलेक्शन करेगी। और सलार मूवी तो अभी कल ही देखेंगे हम लोग, तो उसका भी रिव्यू जल्दी यहाँ पे आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना।